अगर आप YouTube के लिए वीडियोस बनाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो हेल्प करेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक ड्यूटी के एक और नए फ्रेश वीडियो। तो YouTube ने हाल ही फिलहाल में एक फीचर लॉन्च किया है जो कि YouTube स्टूडियो में लॉन्च हुई है, प्रीमियर नाउ का ऑप्शन। प्रीमियर नाउ मीन्स क्या हो रही है, आप कोई भी वीडियो जब पब्लिक करते हो या तो प्राइवेट में रखते हो या तो आप शेड्यूल करते हो तो आपको नीचे देख पा रहे हो आप प्रीमियर नाउ का ऑप्शन देखते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये प्रीमियर नाउ एक्चुअली है क्या, ये किस लिए यूज होती है, ये सारी चीज मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो YouTube ने जो है ये फीचर बहुत ही अच्छा फीचर लॉन्च किया है जिसके थ्रू आउट आपका वॉच टाइम वीडियो की बढ़ सकती है, साथ ही साथ आपका जो चैनल है वो चैनल भी कुछ अलग लुक पे जाएगी। जैसे कि मान के चलिए आपको पता है अभी आपका 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, YouTube पे लाइव नहीं आ सकते हो YouTube एप्लीकेशन के थ्रू आउट। भले अदर एप्लीकेशन का थ्रू आउट आ सकते हो बट YouTube के थ्रू आउट आप लाइव पे नहीं आ सकते हो। तो उसके लिए क्या हो सकती है, आप इसके थ्रू आउट आप लाइव का सारा एंजॉय लाइव जैसा कर सकते हो। तो आपने बहुत बार YouTube होम पेज खोला होगा, YouTube होम पेज खोलने के बाद आप वहाँ पर देख पाते हो कि प्रीमियर नाउ या कुछ टाइमिंग देती हो, ठीक है। आप जैसा ही YouTube खोलते हो वहाँ पर कुछ टाइम लिखते हो, इतने टाइम बाद ये वीडियो आपको पब्लिक होगी, ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी, एक टाइमिंग सेट किया होता है। सेम चीज़ आप प्रीमियर नाउ के थ्रू भी कर सकते हो। मान के चलिए आप कोई वीडियो पब्लिश किए 8 बजे, मान के चलिए कोई वीडियो आपको पब्लिक करना है, आप डेट डाल दिए, 8 बजे का टाइमिंग डाल दिया और प्रीमियर नाउ कर दिए। जैसे आप प्रीमियर नाउ करोगे वैसे आप अगर जाके अपना YouTube चैनल पर चेक करोगे तो वहाँ पर दिखाएगा जो भी आपके व्यूअर्स है, जो भी आपके सब्सक्राइबर्स है, वो जैसे ही ओपन करेंगे ब्राउज फीचर वहाँ पर उसको दिखाई मिलेगा कि ये आधा घंटा बाद क्या होगी, ये वीडियो अपलोड होगी। एक प्रीमियर नाउ का ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पर पूरा प्रीमियरिंग, जो ये जो टेक डेट टू है एक वीडियो प्रीमियर करने वाला है जो कि आधा घंटा बाद स्टार्ट होगी, तो आप इसे प्रीमियर कर सकते हैं इस थ्रू थ्रू आउट। उसके बाद कोई भी व्यूअर्स आपका वेट करेगा, उसको टाइम पता चल जाएगी कि कितने टाइम बाद आपका वीडियो आने वाला है, तो वो आराम से उस टाइम में जाकर आपके वीडियो को देख सकते हैं। और जैसे ही वीडियो आएगी, वीडियो आने के पहले 2 मिनट का वो, जैसे मान के चलिए 8:30 बजे या 8 बजे आपका वीडियो आने वाली है, तो 7:58 फिर वो क्या होगी, पब्लिक हो जाएगी और वहाँ से काउंटडाउन स्टार्ट होगी। जी हाँ, 2 मिनट का काउंटडाउन होगी, पूरा काउंटडाउन होने के बाद वीडियो क्या होगी, स्टार्ट होगी। और जब तक ये काउंटडाउन होगी तब तक कोई वीडियो की स्किप भी नहीं कर सकता। जैसे मान के चलिए मैं व्यूअर हूँ, मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ और आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो, मैं चाहता हूँ इसको स्किप करना काउंटडाउन को, काउंटडाउन स्किप नहीं होगी, पूरी 2 मिनट का काउंटडाउन होगी, उसके बाद वीडियो क्या होगी, पब्लिक होगी। और जितनी लंबी आपकी वीडियो है, मान के चलिए आपने 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, जितने भी मिनट का वीडियो बनाया उतने मिनट की क्या होगी, लाइव चैट आपकी चलेगी। जी हाँ, मान के चलिए 7 मिनट का वीडियो है तो 7 मिनट रेगुलर क्या होगी, आपकी लाइव चैट चलेगी, उसमें कोई भी लाइव रिप्लाई कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं। और जैसे ही वो 7 मिनट खत्म हो जाएगी उसका क्या होगी, लाइव चैट का फीचर बंद हो जाएगा, बाकी कमेंट तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही है, कमेंट की कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आराम से आप कमेंट कर सकते हैं, बट लाइव चैट जो है वो खत्म हो जाएगी। तो आप इस टाइप का वीडियो का अपना प्रीमियर कर सकते हो जिसके थ्रू आउट ज़्यादा रीच पहुंचेगी, साथ ही साथ आपकी जो वॉच टाइम है वॉच टाइम बढ़ेगी। क्यों वॉच टाइम बढ़ेगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 2 मिनट की आपका प्रीमियर हो रही है, 2 मिनट की जो काउंटडाउन स्टार्ट हो रही है, उसके थ्रू आउट आपका वॉच टाइम वीडियो की बढ़ सकती है। तो अगर आपने अभी तक ये प्रीमियर का फीचर ट्राई नहीं किया तो जाकर ट्राई कीजिए, बहुत ही बेहतरीन फीचर है। जैसे कि आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो भी एक्चुअली प्रीमियर पे था, अगर आपने पहले अपना यूट्यूब खोला होगा तो ये वीडियो आपको भी प्रीमियर पर दिख रही होगी, तो उसके बाद आपको सारी चीज़ पता चल गई होगी किस तरह से प्रीमियर आती है, किस तरह से लाइव चैट आप रिप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने इस वीडियो को भी प्रीमियर पे डाला था जिस कारण आपके सामने वो सारी चीज़ें शो हो रही थी। और एक्चुअली ये प्रोफेशनल टाइप का लगेगी, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं जिनके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं वो ये सारी चीज़ों को करते हैं। जैसे मान के चलिए जो बड़े गेमर होते हैं जो गेम खेलते हैं वो भी अपना चैनल क्या करते हैं, अपना कोई गेम का लोगो वगैरह लगाते हैं, उसमें थंबनेल बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, जितने देर बाद गेम लाइव स्टार्ट होगी, या तो कोई यूट्यूबर है, बड़े यूट्यूबर जो लाइव आते हैं उन्होंने भी वो भी प्रीमियर कर देते हैं कि मैं इतने देर बाद लाइव आऊँगा, ताकि क्या हो, सबको पता चल सके और सबको उस टाइम पे लाइव आ सके। अचानक अगर आप लाइव आ जाते हो तो आपके जो सब्सक्राइबर्स, आपके जो व्यूअर्स, उनको पता नहीं रहती है कि आप कब लाइव आने वाले हैं, तो वो उतने ज़्यादा ज्वाइन नहीं होती है। बट अगर आपको पहले से पता होगा, आपके जो व्यूअर्स, आपके जो सब्सक्राइबर्स, उनको पहले से पता होगी कि इस टॉपिक पर वीडियो आने वाली है, तो ऑटोमेटिक वो एक्टिव होंगे और ऑटोमेटिक उस टाइम पर जाकर वो आपके वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे। तो जो कि यूट्यूब की तरफ से बहुत ही बेहतरीन फीचर निकाला गया, पहले ये फीचर नहीं थी बट अभी ये फीचर आ चुकी है, तो जाके इसको यूज़ कीजिए। YouTube के जितने फीचर्स हैं हर फीचर को यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट ऑलवेज मेरा खुला रहती है और हर किसी के कमेंट को मैं रिप्लाई करता हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है। मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे चैनल पर, साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।